इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है, और वो हौसला और जज्बा आप में ही कहीं छुपा होता है। बस थोड़ी सी कोशिश करनी होती है उस जज्बे को जगाने की, और जब आपके हौसले एक उड़ान भरते हैं तो खूबसूरत रंगों से आसमान सज जाता है। और एक छोटी सी कोशिश और करते रहना चाहिए हमसे हर रोज़ यूं ही मुलाकात करने की आपके पसंदीदा कार्यक्रम धरती धुरारी में। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ नाहिद अख्तर। दर्शकों, जिस तरीके से हमने जिक्र किया है हौसलों का, वाकई ये हौसला हर शख्स में होता है, और जब वो उसे पहचान जाता है और अपनी उस खूबी को निखारता है तो कुछ ऐसा काम करता है कि ना सिर्फ अपने जीवन में बदलाव लाता है बल्कि कई लोगों के लिए प्रेरणादायी बनता है। और कहा जाता है ना कि फिर उन खूबसूरत रंगों से जो आसमान सजता है वो जीवन के अंदर एक नया रंग लाता है। और जब बात रंगों की है तो जाहिर सी बात है हमारे दर्शक समझ ही गए होंगे कि आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो एक ऐसे ही कलाकार हैं। वो कलाकार कहा जाता है कि बस सादा जीवन उच्च विचार के जरिए अपना जीवन जी रहे हैं, जिन्हें कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है, जिसमें एक अवार्ड है कालिदास अवार्ड। लेकिन वो अपनी कला में अपनी आत्मा मानते हैं। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं ऐसे ही कलाकार का, जयशंकर शर्मा जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका धरती धुरारी के इस मंच पर। नमस्कार सर। कहा जाता है ना कि आप अपनी कला में अपनी आत्मा मानते हैं, और कहा भी जाता है कि कला तभी जीवित रहती है जब कलाकार उसे अपना जीवन दान कर देता है। तो इससे इतना गहरा रूहानी रिश्ता कैसे हुआ? देखिए, ये रिश्ते जो बात कर रही हैं आप, किसी भी कलाकार को जब तक वो सृष्टि और प्रकृति के साथ नहीं जुड़ेगा वो अपनी आत्मा का कला के साथ सरोकार कर ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि वो एक ईश्वर को या इस प्रकृति को, सृष्टि को माने, तो वो उस कला की ऊंचाइयों तक या उसकी गहराइयों तक चला जाता है और कला उसकी दिन पर दिन निखरती चली जाती है। बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि मैं भी सृष्टि और प्रकृति का पूजक हूँ, और ये सृष्टि प्रकृति का आशीर्वाद है कि आज मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, और कला ही मेरी आत्मा है। मैं कला को ही जीता हूँ और कला मुझको जीती है। बहुत खूब सर। माना जाता है कि ज़िंदगी के बारे में जब हम जिक्र करते हैं तो हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है हमारा बचपन, और एक कलाकार के लिए तो ये बहुत ख़ास होता है, क्योंकि जब वो कोई भी कलाकृति बना रहा होता है तो कहीं ना कहीं उसे अपने बचपन की खूबसूरत यादें ज़रूर आ जाती हैं। कैसा था आपका बचपन, कहाँ जन्म हुआ? मेरा बचपन बिल्कुल साधारण था। मेरा जन्म जयपुर रहा है, और मैं जयपुर की पुराना जो जयपुर है आज का, उसकी गलियों में खेल कूद के बड़ा हुआ हूँ, और जयपुर में ही मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई है और अंतिम शिक्षा भी जयपुर तक ही मेरी रही, मैं कहीं पढ़ने नहीं गया। हाँ, बचपन की कुछ यादें की जो आप बात कर रही हैं, बचपन में मैं बहुत नटखट और शरारती हुआ करता। अच्छा। था, और कलाओं का शौक मेरे को बचपन से ही था जी, क्योंकि मेरे पिताजी भी गाया करते थे, वो एक संगीतकार भी थे जी, और हमारे एक मंदिर है, वो मंदिर के पुजारी थे, तो वो मंदिर की जो सेवा पूजा करते थे उसी के साथ ईश्वर की कहीं लो में मेरा भी इन कलाओं के साथ सरकार हुआ। और कहा भी जाता है कि जब आप किसी भी कला से जुड़े हों, चाहे वो संगीत हो चाहे वो पेंटिंग हो, कहीं ना कहीं आध्यात्मिक होना बेहद ज़रूरी होता है, तभी आप उससे खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। कहीं यही वजह थी कि आप इसीलिए कला को एक तरीके से कहते हैं ना, अपनी आत्मा इसीलिए मानते हैं? हाँ बिल्कुल, इसके लिए ज़रूरी है। जब तक हम अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे या उस खुदा से या ईश्वर से हम लोग नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम उस कला की गहराइयों में जा ही नहीं सकते। और कला आपको नहीं अपनाती है जब तक कि आपका अंदर से जो हृदय है वो पवित्र नहीं होता, आपका जो मानसिक विचार है, जो संतुलन है, वो एकत्रित नहीं होता, तब तक आपकी कला निखार नहीं सकती। बहुत खूब, ऐसा मेरा सोचना है। बहुत अच्छी बात कही है सर आपने कि कहीं ना कहीं मन का और मस्तिष्क का पवित्र होना बेहद ज़रूरी है किसी भी कला के लिए। आपने बताया आपके पिताजी संगीत से जुड़े हुए थे, तो कहीं बचपन में संगीत में रुचि कभी आपकी भी रही थी? हाँ मेरी रही, लेकिन फिर शिक्षा के चलते मैं विधिवत संगीत नहीं सीख पाया, और मेरा रुझान चित्रकला की तरफ भी था, तो मैं चित्रकला की तरफ
मुड़ गया। तो कभी पिताजी ने कहा नहीं कि चित्रकला के साथ साथ संगीत को भी अब थोड़ा वक्त दो, थोड़ी रियाज कर लिया करिए? देखिए, मेरे पिताजी बहुत बड़े संगीतकार थे जी, आकाशवाणी से उनके कई बार कार्यक्रम भी आए, लेकिन वो भी प्रोफेशनल नहीं थे। अच्छा। उन्होंने कला को अपना जीवन यापन का साधन नहीं बनाया जी। तो वो हमेशा मेरे को भी यही शिक्षा देते थे कि बेटा, कला पूजा करने के लिए है, माँ सरस्वती की आराधना करने के लिए है, यह व्यवसाय बनाने के लिए नहीं होती। बहुत खूब। तो अगर आप इसको व्यावसायिक रूप से बनाना चाहते हैं, बनाइए, लेकिन पहले उस सरस्वती की आराधना कीजिए, उसके अनुकरणीय बनिए और उनके चरणों में अपना शीश नवाइए, तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। और वही जो उनका था, मैंने उसको अपनाया और आज मैं यहाँ हूँ। यहाँ मैं जानना चाहूँगी, शुरुआती दौर में जब आपका रुझान हुआ चित्रकला की और आपने पेंटिंग चालू की, कैसा समय था? घर से कितना सहयोग मिला? माता पिता ने कितना आपको प्रोत्साहित किया? और कितना काम रहा वो कि जब आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद रहा हो, कहीं ना कहीं हौसला बढ़ा हो? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि चित्रकला का और पेंटिंग का शौक मेरे को बचपन से ही था, तो मैं अक्सर जो स्कूल से होमवर्क मिलता था किसी भी विषय का हो, तो उसमें कहीं ना कहीं चित्र बना दिया करता था। अरे वाह। और जब मैं स्कूल जाता था तो स्कूल के जो टीचर थे वो उस कॉपी को, वर्क को चेक करते थे, तो सबसे पहले शिकायत ये करते थे कि तूने इसमें ड्राइंग क्यों करी। तो वो थोड़ा सा बड़ा कठिन समय था मेरे लिए कि मैं अपने आप को ड्राइंग करने से रोक नहीं पाता था। हाँ, स्कूल के अंदर जब भी कोई आर्ट एंड कल्चर का प्रोग्राम होता जी, तो सारे टीचर्स मेरे को पहले आगे करते थे कि जयशंकर को ले आओ। और पढ़ने में मैं बिल्कुल साधारण था जी, कभी ऐसा कोई विशेष रहा नहीं, तो बस धीरे धीरे किसी कला की तरफ में चला गया। बहुत खूब। यहाँ मैं जब बात होती है किसी भी व्यक्ति की कला की या किसी भी हुनर की, या ये कहते हैं ना कि हम जब जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं तो जितना सहयोग हमारे जीवन में माता पिता का होता है, उतना ही सहयोग होता है हमारे गुरु का, क्योंकि गुरु ही है जो शायद भगवान के बराबर दर्जा ही इसलिए दिया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक नई राह देता है, नई ऊर्जा देता है। आपके गुरु के बारे में जानना चाहेंगे जिन्होंने आपको प्रोत्साहित किया और इस कला को आज आपने इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया, तो कहीं ना कहीं उनका योगदान, उनका आशीर्वाद साथ रहा। चलिए, फिर मैं अपनी बात वापस कंटिन्यू करता हूँ शिक्षा की तरफ से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं शिक्षा में साधारण ही रहा, क्योंकि मेरा ज़्यादातर समय खेलकूद में और अन्य गतिविधियों में निकलता था। अच्छा। तो पिताजी ने अपने मित्रों से संपर्क किया, तो पिताजी के एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि मेरे एक जानकार हैं, वो पेंटिंग सिखाते हैं, भले बच्चे को पेंटिंग का शौक़ है तो इसको वहाँ भेज देते हैं। और इस तरीके से मैं मेरे गुरु श्री शरण कुमार जी जैन तक पहुँचा और उन्होंने मेरी कला शिक्षा का प्रारंभ करवाया। और उस कला शिक्षा में सीखते 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 पता नहीं कब मैंने इसको व्यवसाय के रूप में, जीवन यापन के रूप में अपना लिया, आज तक मुझे भी मालूम नहीं पड़ा। और अभी तक ये निरंतर यात्रा मेरी जारी और मैं आज भी सीख ही रहा हूँ। इस यात्रा का जब शुरुआती दौर था, आज जब आप ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में पहचाने जाते हैं, लेकिन इस यात्रा का जो शुरुआती दौर था वो इतना आसान नहीं होगा, नहीं। कितना कठिन था? तो देखो, पहले के समय में एक धारणा और थी कि कोई भी कलाकार, जो कोई भी उनके सीक्रेट होते थे कला से संबंधित, वो जाते ही नहीं सिखाया करते बिल्कुल थे। और मेरे साथ भी ऐसा ही रहा, मैं जब जब जिस गुरु के यहाँ गया, उन्होंने अपनी सब चीज़ों को, सीक्रेट को संभाल के रखा, बस कुछ अभ्यास करने के लिए काम दे दिया करते थे, वो अभ्यास मैं करता था, लेकिन अंदर एक ललक थी कि नहीं, मेरे को कुछ करना है, मेरे को कुछ बनना है, कुछ मेरे को साधना करनी है। उसी ललक के चलते फिर मैंने स्वाध्याय चालू किया और मैं खुद ही ईश्वर की दया से सीखता हुआ चला गया और आज मैं यहाँ इस मुकाम पे आया। और ईश्वर से आज भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को एक रोज़ नई चीज़ सिखाना, और मैं सीख रहा हूँ।
बहुत खूब। आपकी यही सादगी आपकी एक विशेषता है ये मानूंगी मैं तो। जयशंकर जी, यहाँ हम जिक्र करेंगे जिस तरीके से आपने बताया कि आप कोशिश करते रहे निरंतर कुछ नया सीखने की। जब हम किसी भी पेंटिंग की बात करते हैं, कलाकार की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अध्यात्म के साथ वो प्रकृति से गहरी रुचि रखता है। कितना ज़रूरी होता है और क्या जहन में होता है जब आप कोई भी कलाकृति बना रहे होते हैं, क्या आपके मन में विचार आता है जब भी कुछ नई कलाकृति की ओर जा रहे होते हैं? देखिए, पहले उसके लिए बहुत सारा चिंतन करना पड़ता है जी, और जब वो चिंतन करते करते उसका मंथन हो जाता है, जैसे हम दूध को उसका दही बनाते हैं और दही को बिलोते हैं, उसका मंथन होने के बाद मक्खन निकलता है, उसी तरीके से एक कलाकार का चिंतन उस मक्खन रूपी कला को बाहर लेके आता है, ऐसा मेरी सोच और मेरी धारणा है। और वो तभी हो सकता है कि जब आप अंदर से बिल्कुल प्योर हों, ईश्वर के साधक हों, कला के साधक हों, इस प्रकृति और सृष्टि के साधक हों, तो आप उस मकान तक पहुँच सकते हैं, नहीं तो आप नहीं पहुँच सकते। यानी कहीं ना कहीं मैं फिर वही बात कहूँगी कि मन की शुद्धता पवित्रता और आपकी ईमानदारी कि आप उस कला के प्रति कितने ईमानदार हैं और कितनी ईमानदारी से आप उसको जी रहे हैं। और कहा भी जाता है ना, कई बार जब हम कोई भी पेंटिंग देख रहे होते हैं या कोई भी कलाकृति देख रहे होते हैं, तो दर्शक का नज़रिया कुछ और होता है, लेकिन एक कलाकार का विज़न, एक कलाकार का नज़रिया कुछ और होता है। कुछ ऐसी पेंटिंग है जो आपका नज़रिया जिसे लेकर बिल्कुल अलग हो, जिसे बनाते समय या बनने के बाद आपको लगा हो कि हाँ, इसकी विचारधारा ही कुछ और है? देखिए, अक्सर ऐसा कई बार होता है कि हम जो बनाना चाह रहे हैं या जो कहना चाह रहे हैं जी, वो बिल्कुल दर्शक अगर जब उसको देख रहा है तो वो भी उस मुकाम तक पहुँचे जी, तो वो एक सफल कलाकार है जी। अन्यथा वो एक सफल कलाकार नहीं है कि वो बना कुछ और रहा है, दर्शक देख कुछ और रहा है, तो वो सार्थक कला नहीं है। ऐसा ही एक वाक्य मेरे साथ हुआ जी, जब मैं ट्रेडिशनल आर्ट करते करते बुद्धिस्ट आर्ट की तरफ डाइवर्ट हुआ जी। तो उनके गुरु हैं पद्मसंभव बाबा जी, जिनको हम बाबा बोलते हैं और बुद्धिस्ट लोग उनको गुरु बोलते हैं। मैं उनको चित्रित कर रहा था, उसी के साथ मेरे को बुद्धा को चित्रित करना था जी। पर वो बुद्धा मेरे को तिब्बतीन बुद्धा को जम नहीं रहे थे, तो मैंने अपनी ब्रश छोड़ी और 5-7-10 दिन तक मैं उस चिंतन में, उस मनन में लगा रहा। और तभी मेरे को एक दिन ऐसा लगा कि कहीं से कोई एक पिक्चर मेरे दिमाग में आ रही है, और फिर वही बुद्धा मैंने बनाया और वही उनके गुरु रिंगपोचे पद्मसंभव बाबा मैंने बनाया। वो दर्शकों को बहुत पसंद आया और उन्होंने उसको उसी रूप में देखा जैसा मैं बनाना चाह रहा था। तो ये प्राकृतिक आपको आशीर्वाद तब मिलता है जब आप उस कला के प्रति बिल्कुल समर्पित रहते हैं हर तरीके से। बहुत खूब, जहाँ आपने इसका जिक्र किया है वहाँ मैं ज़रूर जानना चाहूँगी और हमारे दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि तिब्बतीयन थंका शैली जो पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसके लिए आपने काम किया और यही वजह रही कि आपको कला गुरु के नाम से नवाजा गया, क्या खास है और कितनी डिफरेंट है ये शैली? क्योंकि भारत के अंदर ये शैली पे शायद आप ही काम कर रहे हैं अभी तक, तो आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे कितनी अलग होती है ये कला की शैली। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने श्रवण कुमार जी जैन के यहाँ सीखा है और उनके यहाँ बहुत सारे शिष्य काम करते थे, तो वो अक्सर अपना लेक्चर दिया करते थे, तो उसमें वो कभी कभी बात करते थे तिब्बतीयन टंका पेंटिंग्स की। तो वो हमको बताया करते थे कि मिनिएचर पेंटिंग जो है या भारतीय जो चित्रकला है उसका जो अंतिम शिखर है वो तिब्बतीयन टंका पेंटिंग्स है। बोलो, वहाँ तक पहुँचना बिल्कुल असंभव है जब तक आपकी गहरी साधना नहीं होगी, जब तक आप उसमें निष्णांत होकर के नहीं डूबेंगे तब तक उसको कोई नहीं कर पाता। और मेरा एक ही प्रश्न होता था कि गुरुजी, मेरे को एक बार टंका पेंटिंग दिखा दो, मैं देखना चाहता हूँ कितनी खूबसूरत होती है जी। तो वो बोले कि दिखा तो मैं दूंगा, लेकिन तुम वहाँ तक पहुँच पाओगे? मैंने कहा क्यों? कि बोलो, उसके लिए बेहद कठोर साधना की आवश्यकता पड़ती है। तो बोले, अपने यहाँ कोई नहीं बनाता, कभी मौका पड़ेगा तो मैं आपको टंका दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको सिखा भी नहीं सकता। अच्छा। तो बोले, ये आपकी साधना ही आपको सिखाएगी। तब वो बचपन में ही मेरे दिमाग में ऐसा हो गया था
कि शायद हो सकता है कि एक दिन मैं टंका पेंटिंग्स बनाऊं, और काफ़ी लंबे अंतराल के बाद कुछ ऐसा ही काम मेरे पास आया और मैंने इसको स्वीकार किया। जो टंका बनवाना चाह रहे थे उन्होंने कहा कि हमको 18 साल हो गए हिंदुस्तान में एक कलाकार ढूंढते हुए जो टंका बना सके। जी बहुत बड़ी बात है ये। तब फिर ऐसे ही कुछ बात चली तो शरण कुमार जी, जिनके बाद में स्वर्गीय श्री वेदपाल शर्मा बन्नू जी से भी मैंने काफ़ी सीखा, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हिंदुस्तान में बहुत बड़े कलाकार हैं, एक से बढ़कर एक गुरु हैं, और आपको 18 साल में कोई कलाकार नहीं मिले। तब उन्होंने कहा कि नहीं, हमने बहुत कलाकारों को चेक किया, तो क्या पूरे देश में ऐसा कोई कलाकार नहीं है? तब मैंने उनसे कहा कि मेरे देश की बात मत करो, मेरा देश बड़ा अनूठा है, बड़ा सुंदर है, और जितनी कलाएँ और संस्कृतियाँ मेरे देश से निकली है उससे ज़्यादा शिक्षाएँ मेरे देश से इस पूरे विश्व को हमने दी है, हम विश्व गुरु हैं। जी बिल्कुल। तो मैंने कहा ठीक है, दिखाइए आपको कौन सी पेंटिंग बनानी है। उन्होंने मेरे को टंका पेंटिंग दिखाई और मैंने कहा छोड़ दीजिए, मैं बनाता हूँ, और मैंने उनको बनाया और दिखाया। बस मैंने सोचा शायद यही ईश्वर का आशीर्वाद है कि ईश्वर ने टंका पेंटिंग्स मेरे पास घर बैठे भेज दिया, और उसको एक चैलेंज के रूप में मैंने स्वीकार किया और टंका पेंटिंग्स में मैंने काम किया। बहुत खूब। और जब इसके लिए आपको कला गुरु के नाम से नवाजा गया तब कैसा अनुभव था, कितना सुकून था? क्योंकि बचपन से आप चाह रहे थे कि इस शैली में काम करें और आखिरकार आपने उस शैली में काम किया और बेहतर करके दिखाया, तो कितना अच्छा महसूस हुआ? अच्छा महसूस तो तब हुआ कि जब मैंने कार्य चालू किया तब देखा कि जो मेरे गुरुजी बोलते थे वो बिल्कुल सही है कि ये बहुत ही कठिन और साधना भरा काम है। जी क्यों? कि वो जो कहते थे कि ट्रेडिशनल का उच्चतम शिखर है, तो उस उच्चतम शिखर तक मेरी ब्रश को लाना, निरंतर अभ्यास करना, उसके बारे में जानना, और मैंने पाया फिर कि बोले ये मिनिएचर कला का सबसे उच्चतम शिखर है, इसके बाद करने को कुछ नहीं बचता। उसके बाद में जैसा मेरे गुरुजी बोलते थे कि कलाकार ब्रश छोड़ के और एकांत में जंगल में चला जाता है, ईश्वर में लीन हो जाता है, और वैसा ही मेरे को महसूस होता है कभी कभी। अच्छा। कि मैं भी चला जाऊँ। और कहीं ना कहीं मैं अब बात चल रही थी कला गुरु की। जी। तो मैं ये चाह रहा था कि जो कला हमारे देश में नहीं है तो उसको सब सीखें। तो मैंने निरंतर मिनिएचर पेंटिंग्स को कम करके और टंका पेंटिंग को बनाना चालू किया, और आज मुझे खुशी होती है कि भारत के बहुत सारे कलाकार बुद्धा को बनाने लगे हैं, बुद्धिस्ट पेंटिंग्स बनाने लगे हैं, मेरे बहुत सारे शिष्य उस पर काम कर रहे हैं। तो भारत सरकार का ध्यान उस ओर गया और उन्होंने मेरे को बुलाया, और बुद्धिस्ट कला के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु मेरे को उन्होंने चुना और कला गुरु की उपाधि मेरे को प्रदान की, और गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत उन्होंने मेरे को 5 शिष्य दिए कि आप इनको पेंटिंग सिखाइए, और वो 5 आज काम कर रहे हैं। बहुत खूब और बहुत अच्छी बात है, और शायद ये हमारे लिए भी बड़ी गर्व की बात है। यहाँ मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी, जब बात की है अपने शिष्य की, आज के वक्त की, आज की दौर की बात करूँ और आज से कुछ साल पहले की बात करूँ, जिस तरीके से जब आपका दौर था तब बच्चों को ड्राइंग बड़ा खासा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता था और बच्चे उसमें उतनी ही रुचि लेते थे, लेकिन कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है। आज के दौर में अगर देखें तो शायद वो कहीं कम हो गया है, बच्चों का ड्राइंग से जो है वो सिर्फ प्राइमरी या नर्सरी के बच्चों तक ही रह गया है, लेकिन जहाँ एक एज आने के बाद 5, 6, 7, 8 के बच्चों को वो कहीं ना कहीं जो एक इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो चुका है, खो चुका है। कितना ज़रूरी है उन बच्चों में वापस उस कला के प्रति रुझान लाना? देखिए जैसा कि आपने सब्जेक्ट पे बात की, विषय पे बात की, तो आज हम प्रतिस्पर्धा की इस दौड़ में शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ बहुत आगे बढ़ रहे हैं हम बहुत पीछे भी हो गए। आज के जो बच्चे हैं प्राइमरी के या मिडिल सेक्शन के, उनके बच्चों में कला संस्कृति नैतिक शिक्षा की तो कला दी नहीं जा रही, उनको तो केवल रेडीमेड मशीन की तरह तैयार किया जा रहा है। तो इससे कलाओं के प्रति नई पीढ़ी की रुचि भी कम होती जा रही है और लोग उसको भूलते भी जा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि वापस स्कूलों में इस शिक्षा को प्रारंभ किया जाए, बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाए और कला शिक्षा दी जाए, उनको हमारी भारतीय संस्कृति से रूबरू शिक्षा के माध्यम से करवाया जाए। वो सारे विषय आज
बच्चों की किताबों में नहीं मिलता है, जो कहीं ना कहीं जरूरी है कि बच्चों को भी जोड़ना, क्योंकि उनके शारीरिक मानसिक विकास, मैं दोनों ही बात पे फिर जोर डाल रहा हूँ, शारीरिक और मानसिक विकास जब होगा जब आपके पास नैतिक शिक्षा होगी जी बिल्कुल। और आपकी जब नैतिक शिक्षा होगी और ख़ास तौर से वो जिस मातृभूमि में जी रहा है वहाँ की संस्कृति भी उसके साथ जुड़ती है तो कलाओं का निखार आता है। बिल्कुल। और जो आपने बात की तो किसी भी देश की जो पहचान होती है उसकी कला, संस्कृति और सभ्यता से ही होती है। आज हम किसी भी कला को देख के तुरंत पहचान जाते हैं कि ये रोम की है, ये इटली की है, ये इजिप्ट की है, तो वो कलाएं उनका एहसास करवाती है। इसी तरीके से हमारे देश की कलाओं का हमें उतना महत्वपूर्ण रखना चाहिए उसको, और स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, यानी आने जो जनरेशन है जो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में खो गई है उसे कहीं ना कहीं वापस वो ब्रश और एक पेंटिंग का शौक़ होना चाहिए। कुछ बच्चों में होता है लेकिन कहीं ना कहीं हर बच्चे में ये शौक़ डेवलप करना चाहिए। कई चीज़ों का निर्माण होता है, और जब हम हमारे देश की बात करते हैं तो विश्व के पटल पर हमारा देश तो जाना ही कला और संस्कृति के लिए जाता है, तो इस हुनर को तो फिर निखारना चाहिए। आप कितनी कोशिश कर रहे हैं अपने शिष्यों को, छोटे बच्चों को इससे जोड़ने की? देखिए, जो आपने टेक्निकल की बात की जी, आप देखेंगे कि जितना हम टेक्निकल होते जा रहे हैं, आज का युवा, नई पीढ़ी या जो भी इस टेक्निक से जुड़ा हुआ है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, वो हमेशा स्ट्रेस में ट्रेस में रहता है जी। और जो कलाओं के साथ और साधना के साथ जुड़ा रहता है वो हमेशा हंसमुख, फ्रेश और हर तरीके से अनुकूल होता है। तो ये सबसे बड़ा फर्क है टेक्नोलॉजी और कला साधना में। तो हम जिस कला को जितना करेंगे आपका व्यक्तित्व उतना ही निखरता चला जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसके साथ शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उस कला को समझना ज़रूरी है, उसको हर एक व्यक्ति समझे, आज के पेरेंट्स भी उसको समझे, और अपने बच्चों को उस तरफ डाइवर्ट करें कि ये हमारी भारतीय संस्कृति है, ये हमारी भारतीय कलाएँ हैं, वो चाहे नृत्य हो, चाहे गायन हो, वादन हो या चित्रकला हो, वो किसी भी क्षेत्र में जाए। बहुत खूब। तो मैं तो ये कहता हूँ हर कला में निखरना चाहिए। बहुत खूब, और बहुत अच्छी बात कही कि कहीं ना कहीं भारतीय जो संस्कृति और कला से बच्चों को रूबरू कराते रहना चाहिए, और बेहद ज़रूरी है आने वाली पीढ़ी को एक मार्गदर्शक बनाने के लिए या उनकी जो भारतीय संस्कृति उससे रूबरू कराने के लिए कि वो कला से जुड़े रहें। यहाँ सर थोड़ा सा पीछे वापस जाएंगे, एक खूबसूरत वाक़या है आपकी ज़िंदगी का कि जब आपकी एक कॉलेज के अंदर जॉब लगी और आप वो जॉब ज्वाइन करने गए और आपने सोचा कि नहीं मुझे नहीं करनी, और आपने वो जॉब छोड़ दी, और वो कॉलेज था वनस्थली विद्यापीठ निवाई, तो वो क्या वाक़या था आपसे ही जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था? देखिए, उस वक्त मैं खुद भी एकदम यंग था, और जैसा मैंने बताया कि मैं वेदपाल जी के यहाँ सीखता था जी, बन्नू जी उनका निकनेम था, और वो बन्नू जी के नाम से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो उनके यहाँ देवकी नंदन जी शर्मा, जो कि उस वक्त वनस्थली विद्यापीठ में देखते थे पूरी आर्ट फैकल्टी को, वो आए, उनको मेरी कला अच्छी लगी, मेरी साधना अच्छी लगी, उन्होंने मेरे गुरुजी से कहा कि वेदपाल इसको मेरे साथ भेज दे, इसको कला शिक्षक बना देते हैं जी। तो मेरे गुरुजी ने मेरे को कहा जाओ, मैं वहाँ गया, रुका, पूरा देखा, दोपहर तक का खाना मैंने वहाँ खाया, देवकी नंदन जी के आशीर्वाद मिला मेरे को, उन्होंने मेरे को पूरा बताया। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो यहाँ केवल मेरे को महिलाएं और लड़कियां ही नज़र आ रही है जी, क्या कोई पुरुष नहीं है? तो बोले कि नहीं, ये केवल और केवल महिलाओं के लिए है। तो मैं शायद उस वक्त अपने आप को इस काबिल नहीं समझता था कि मैं इनको निखार सकूँ महिलाओं से, और ख़ास तौर से मैं महिलाओं से दूरी रखता और मैं दूरी रखना चाहता था इस वजह से, क्योंकि मेरे को अपनी साधना को निकालना था, अपनी कला को निकालना था। तो मैंने निर्णय किया कि नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, और मैं शाम को ही वापस लौट के आ गया। और आज के दौर की बात करें, जब आप बहुत सारी बच्चियों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, कला सिखा रहे हैं, पेंटिंग सिखा रहे हैं, तब अनुभव कैसा महसूस होता है कि उस दौर में जब आपने एक कला शिक्षक की जॉब छोड़ दी थी? देखिए, जब हम 40 साल पीछे जाते हैं तो उस वक्त मनुष्य की सोच कुछ और होती है जी, और जब वो परिपक्वता की ओर आते हैं तो उनकी सोच और दिशाएं बदल जाती है जी, बिल्कुल। तो बाद में मेरे स्त्री हो, पुरुष हो, लड़की हो, लड़का हो, सबको इसकी शिक्षा दी,
और आपको ये जान के बड़ा ताजुब होगा कि आज अगर मेरे शिष्यों की जब गिनती होती है तो उसमें फीमेल आर्टिस्ट ही बहुत ज़्यादा है और उनमें से काफ़ी तो बहुत फेमस भी हैं और मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी आज नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। बहुत खूब। और बस यहाँ आपने अपने स्टूडेंट्स की जिक्र किया, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी जिस तरीके से माता पिता के लिए उनके बच्चे जब कुछ अचीव करते हैं तब सबसे ज़्यादा खुशी का पल होता है, उसी तरीके से गुरु के जीवन में होता है जब गुरु के शिष्य उससे ज़्यादा ऊंचाई पाते हैं या आगे बढ़ रहे होते हैं या कहीं विजयी हो रहे होते हैं तो मन में संतुष्टि मिलती है। कितनी खुशी महसूस करते हैं गुरु होने के नाते? देखिए खुशी तो होती ही है। अब एक वाक्य मैं आपको बताऊँ, मेरे एक शिष्य हैं गुरप्रीत सिंह मनकू जी, वो जलंधर से हैं। वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि भाई आप मिनीचर पेंटिंग बनाते हैं, मेरे को मिनीचर सीखना है। मैंने उनको सिखाया, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। फिर उन्होंने उसके बाद मेरे को बोला कि मेरे को फ्रेस्को की टेक्निक, जिसको कि हम आला गीला पद्धति बोलते हैं जी, जो दीवारों पर चित्रण होता है, उसके बारे में जानना है। तो मैंने कहा भाई, मैंने कहा वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। उन्होंने फ्रेस्को में काम किया और आज कर रहे हैं, और उनकी सफलता कहाँ तक पहुँची वो देखिए कि यूनेस्को वालों ने उनसे संपर्क किया कि विश्व की जो विरासत है, जो पुराशेष बचे हुए हैं, उनको आप रिस्टोर करो, और यूनेस्को वालों ने उनके ऊपर एक घंटे की फीचर बनाई। और वो सबसे पहले भागे भागे मेरे पास आए कि गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मेरे को ऐसा मिला। तो वो यूनेस्को के सेलेक्टेड आर्टिस्टों में से एक है। बहुत खूब। और वो आज भी कभी यही काम कर रहे हैं। बहुत खूब। और आपको कितनी खुशी महसूस होती होगी कि आप एक ऐसे आर्टिस्ट के गुरु हैं। देखिए कोई बच्चा जब कुछ अचीवमेंट करता है तो जो खुशी माता पिता को होती है उससे कहीं ज़्यादा खुशी गुरु को होती है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को निखारता है, बनाता है। जिस तरीके से खुमार एक मटके को बनाता है और बनाने के बाद उसके चेहरे पे जो खुशी आती है कि ये बिल्कुल शेप में बन गया, बिल्कुल जैसा मैं चाहता था वैसा बन गया, वो बड़ा खुश होता है। बहुत खुश। उसी तरीके से ईश्वर भी यही देख के खुश होता है कि जिस मनुष्य को मैंने भेजा इस सृष्टि प्रकृति में, वो मेरे अनुकरण करके और मेरी ही बनाई हुई इस कलाकारी, जिसको कि हम यूनिवर्स बोलते हैं, उसको फॉलो कर रहा है, उसको पूज रहा है, तो स्वतः ही सब कुछ मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात कही तो, है। बिल्कुल ये उसी तरीके से जैसे अपनी एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती हुई कितना खुश होती है, तो वैसा ही एक गुरु के लिए है कि अगर उसका शिष्य आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं मन में संतुष्टि खुशी मिलती है। संतुष्टि नहीं, अपार सफलता जिसको या खुशी जिसको बोलते हैं वो प्राप्त होती है। और जब एक गुरु जिनका नाम देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात मिले, वो गुरु कितने अहम हो जाते हैं उन बच्चों के लिए जब प्रधानमंत्री जी खुद अपनी तारीफ में उस शख्स का नाम लें। वो पल आपके लिए कितना अहम था, कितना ख़ास था जब प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में आपका, आपकी कला का जिक्र किया, क्योंकि ये ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे राजस्थान के लिए गौरव की बात थी। आपके लिए वो पल कैसा था? देखिए मैं हर पल को अपनी खुशी के साथ जीता हूँ, और जब उन्होंने मन की बात में जिक्र किया तो मैं अभी वर्तमान में एक पुराण बना रहा हूँ, और किस वो त्रिवेणी कला संगम उज्जैन में बन रहा है एक संग्रहालय, वो उसमें लगेगी। और उसके लिए सरकार ने ही मेरे को बुलाया था, मैं उनके पास काम लेने नहीं गया था। बहुत खूब। और उन्होंने बुला के मेरे को बोला कि हमें आपकी सेवाओं की आवश्यकता है, तब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा नहीं, मैं मेरा जो कार्य कर रहा हूँ उसमें संतुष्ट हूँ। तो बोला भाई आप भविष्य के लिए या इस देश के लिए भी अपना योगदान करें, हमें आपकी कला की आवश्यकता है। तो उन्होंने बुलाया, ट्राइबल म्यूजियम भोपाल वालों ने मेरे को कॉल किया, मैं वहाँ गया, उन्होंने बिल्कुल विस्तृत रूप में मेरे को समझाया, बोला कि हमको बहुत कम कलाकार ऐसे मिल रहे हैं जो निपुण हो, और हमने आपके बारे में सुना है। तब मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरी इस कला को आने वाली पीढ़ी भी देखेगी। बहुत अच्छी बात। और ये चैलेंजिंग काम भी है, ईश्वर वाला काम भी है, कि किसी पुराण को अगर आप चित्रित कर रहे हैं
उसमें 18,000 श्लोक हैं जी। उस 18,000 श्लोक को पढ़ना, फिर उनको समझना, फिर एक सीरीज एक कहानी में डालना और फिर उसको चित्रित करना, तो मैंने कहा शायद यह है ईश्वर का आशीर्वाद या वरदान है, और मैंने इसको स्वीकार किया और आज उस पुराण की रचना हो रही है, हो गई, बस बहुत थोड़ा सा बचा। बहुत खूब। और ये इस राजस्थान के लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि कहा जाता है ना कि संग्रहालय में जो चीज़ होती है वो ना सिर्फ आज के दौर के लिए बल्कि सदियों के लिए सहेजी होती है, ना सिर्फ देशी बल्कि विदेशी पर्यटक भी उसको आकर देखेंगे और उस कला के ज़रिए कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति से रूबरू भी होंगे। कई कलाकृतियाँ, कई चित्र बनाए हैं, लेकिन एक चित्र बहुत ख़ास रहा जो आपके दिल के भी बहुत ख़ास रहा, वो रहा भारत के पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब का। और कहा जाता है कि जब वो राष्ट्रपति भवन गए तो वो अपने साथ बहुत कम सामान लेके गए थे, लेकिन वो पेंटिंग लेके गए थे जो आपने उन्हें गिफ्ट की थी। वो अनुभव कैसा था, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जब सर्वप्रथम मैं राष्ट्रपति जी से मिला था तो राजभवन में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, और उन्होंने को कोई बहुत ज़रूरी काम था तो उन्होंने सभी मिलने वालों को एक एक मिनट का समय दिया था जी। तो मैं भी उनका एक चित्र बना के ले गया था, तो वो चित्र उनको पसंद नहीं आया, या शायद वो प्रेजेंट ऑफ माइंड देख रहे थे, तो उन्होंने कहा बोले क्या बनाया ये, कौन है ये, तो वो उन्होंने खुद के चित्र के लिए खुद को ही पहचानने से बोला। तो मैंने उनसे कहा कि मन का बड़े शर्म की बात है कि अगर आप इस व्यक्ति को नहीं पहचानते। बोला कौन है ये जी। तो मैंने कहा 120 करोड़ भारतीय इस शख्सियत पे गर्व करती है, ये हमारे मिसाइल मैन APJ कलाम है। मैंने उनको राष्ट्रपति नहीं बोला, और वो शायद यही सुनना चाह रहे थे, फिर वो हमारी वार्तालाप में कन्वर्ट हुआ। वो एक मिनट की जगह 18 मिनट हमारी मुलाकात चली, और उस बीच हमारे बहुत सवाल जवाब हुए। और चूँकि बचपन से मैं कलाम साहब का नाम सुनते आया था, तो वो मेरा एक सपना भी था कि मैं कभी कलाम साहब को मिलूं, क्योंकि बचपन में किताबों में उनके बारे में पढ़ा, न्यूज मैगजीन्स में अक्सर उनके नाम आया करता। और ये वाकई आपके जीवन के लिए कहते हैं खूबसूरत लम्हा। जब वो एकदम बिल्कुल सामने आया तो मेरे को यूँ लगा कि शायद साक्षात मैं सपनों की दुनिया से निकल के हकीकत में आ गया। और कलाम साहब की जिंदगी का सबसे खास और अहम फलसफा है कि वक्त जो है ना वो बहुत कीमती होता है। वक्त बड़ा कीमती। और वक्त जो है ये कहता है कि आज इजाजत लें जयशंकर जी से, कुछ बातें अनकही छोड़ देते हैं अगली मुलाकात के लिए, ताकि हमारे दर्शक और भी कुछ जान पाए, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है इजाजत लेने का। आप जयशंकर जी हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कम शब्दों में? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारी कलाएं हैं सबको उसके साथ जुड़ना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि डिग्री आपकी पहचान हो या शिक्षा आपकी पहचान हो। आज आप लता मंगेशकर की बात करें तो उनको पूरा विश्व जानता है उनकी कला के दम पे। हम चाहे सचिन तेंदुलकर की बात करें, लोग उन्हें क्रिकेट का भगवान बोलते हैं, तो वो खेलने की कला के माहिर हैं। इसी तरीके से सभी लोगों को कला एवं संस्कृति और शिक्षा से जुड़ना चाहिए, ताकि उसका संपूर्ण व्यक्तित्व निकल के बाहर आ सके। बहुत खूब और बहुत अच्छी बात कही है आपने, और आपसे मिलके यही कहेंगे कि कहा जाता है ना कि जिस पेड़ में बहुत सारे फल लगे होते हैं वो पेड़ हमेशा झुका होता है। वो झुकावट होती है विनम्रता की, और ऐसी ही विनम्रता कहीं ना कहीं आप में झलकती। आपसे मिलके, आपकी कला के बारे में जान के बहुत ही अच्छा लगा, और हमारे दर्शकों से अब हम यही कहना चाहेंगे कि वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी किसी अजीम शख्सियत के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।